दोस्तों मेरे हाथ में अभी जो सांप है ये है रेड सैंड बोआ। आपने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो इससे पहले भी देखे हैं और सबसे ज़्यादा इसकी तस्करी करने की कोशिश लोग करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है और कानूनन जुर्म भी है। तो ग्रामीण भाषा में इसे दो मुहाँ सांप भी बोलते हैं। इसका नाम होता है सिर्फ दो मुहाँ सांप। दो मुहाँ सांप इसलिए इसका नाम पड़ा है कि मैंने अभी जो हाथ में आपको दिखाया है कि एक तरफ से इसका मुंह जो है इसकी पूंछ की तरह दिखता है, इसके कारण लोग फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं इसके कारण ही इसका दुमुआ नाम पड़ा है। और इसका अंग्रेजी नाम मैंने आपको बताया कि रेड सैंड बोआ इसका नाम है। बहुत ही प्यारा सांप है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये अभी दिखाया है। हम एक जगह पर इसको रेस्क्यू करके यहाँ पर अभी जंगल में लाए हैं और छोड़ने वाले हैं। बहुत सारी गलत फहमियों के कारण इस सांप को मारा जाता है या बंदी बनाकर रखा जाता है। बहुत ही प्यारा सांप होता है। लोगों का मानना होता है कि इसकी अगर चमड़ी निकालते हैं तो उससे कुछ ड्रग्स बनते हैं या दवाइयां बनती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। और पैसा बढ़ाने के लिए, दुगना करने के लिए, तिगना करने के लिए लोग कहीं ना कहीं जादू टोना करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये भी गलत ही चीज़ है और ये जुर्म भी है। और बहुत सारी गलत फहमियाँ है कि जैसे कि ये सांप जो है एक पूंछ की तरफ से 6 महीने चलता है, मुंह की तरफ से 6 महीने चलता है, ऐसी भी गलत धारणा है। दूसरी बात ऐसी है कि ये सांप जो है अगर किसी के हाथ या पैर से ऊपर चला जाता है तो वो जगह सड़ जाती है, ये भी गलत धारणा है। बहुत ही प्यारा और बिना जहरीला सांप है, नॉन वेनमस स्नेक है, इसमें जहर नहीं होता। और ज़्यादातर 99% ये सांप काटता ही नहीं है। जो तस्करी करने की कोशिश करते हैं वो लोग जो होते हैं इसका वजन मापने की कोशिश करते हैं, इसकी लंबाई मापने की कोशिश करते हैं और इसको बंदी बना कर रखते हैं। और बहुत सारे सर्प मित्रों को भी इसके कॉल आते हैं कि हमें ये सांप जो है हमें दे दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। तो हम हर एक जो कॉल आता है उनको यही बताते हैं कि ये चीज़ गलत है और हम जो है हम सिर्फ सांप रेस्क्यू करने के लिए हमारा नंबर जो है यूट्यूब पे डालते हैं या फेसबुक पे डालते हैं। तो अगर हमको कॉल करना है तो सिर्फ स्नेक रेस्क्यू के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ना कि ख़रीदने बेचने के लिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये ख़रीदने बेचने की नहीं है, इसको जंगल में ही रिलीज करना होता है और इसकी कोई दवाइयाँ नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता, इसमें तो जहर नहीं है और ना कि धन वर्षा होती है, ना कि पैसा बढ़ता है, ना कि जादू टोना होता है और ना कि इसके दो मुंह होते हैं और ना कि इसके काटने से जगह सड़ती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही प्यारा सा सांप जो कि चॉकलेटी डार्क काले कलर में रहता है और थोड़ा थोड़ा सा अजगर जैसा जाड़ा जुड़ा रहता है। अजगर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन थोड़ा सा इसमें सिमिलर है कि उसके जैसा दिखता है। चलने में बहुत ही स्लो रहता है ये सांप और ज़्यादातर चूहे खाना इसको पसंद है। और खेती की जो ज़मीन होती है गीली और सूखी, इस ज़मीन में ये इसका मुंह जो है अंदर डालकर ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश करता है और जो चूहे होते हैं उनके ऊपर एक घात लगाकर अटैक करता है और उसके बाद अजगर जैसा ही उसको जो लपेट लेता है और बाद में चूहों को खा डालता है। तो ये जो सांप होता है सबसे गरीब सांपों में से एक सांप है जो कि 99% काटता ही नहीं है। तो ऐसे सांप को पकड़ कर लोग बंदी बनाते हैं, उनको आसानी भी हो जाती है क्योंकि सांप एकदम ज़्यादा तेज भागता नहीं, एकदम धीरे से भागता है, धीरे से चलता है, भाग भी नहीं बोल सकते, धीरे से चलता है। और पकड़ते भी है तो वो ज़्यादा हलचल नहीं करता, अटैक करने की कोशिश नहीं करता। बहुत ही प्यारा सा सांप और बेवजह इसको कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है और बंदी बनाकर रखा जाता है। तो ये कानूनन जुर्म भी है, ऐसा ना करें, इसको बेचने की ख़रीदने की कोशिश ना करें। अगर आपको कहीं पे ये दिखाई देता है तो उसको छोड़ दीजिए, अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ये हमें कोई भी तकलीफ़ देने वाला सांप नहीं है। बाकी भी सांपों को हमें बचाना है, फिर भी ये जो सांप है बहुत ही प्यारा सा और बिना जहरीला सांप है, इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सांप एक बार दिखा देता हूँ कितना लंबा है। देखिए मेरे इस हाथ में जो है इसका मुंह है, इस हाथ में जो है इसकी पूंछ है और लंबाई आप देख सकते हो। पीछे का जो इसका पेट की तरफ जो डिज़ाइन रहती है वो भी काली रहती है, ज़्यादातर सांपों की ये वाइट रहती है लेकिन इसकी भी काली रहती है। और इसका जो मुंह रहता है
इसका जो मुंह रहता है ये फावड़े के आकार का रहता है, ताकि ये अपना शरीर जो है मुंह की तरफ से ज़मीन के अंदर डालकर ज़मीन के अंदर जो है ये बैठा रहे या छुपकर बैठा रहे, इसीलिए इसका जो मुंह होता है ये ऐसे फावड़े के आकार का रहता है। इसके जो आँखें हैं ये बहुत ही बारीक होती है, और आँखों की जो पुतलियाँ होती है ये भी बहुत बारीक होती है, ये दूर से दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सांप, इसकी पूँछ आप देख सकते हो, ये जो है ये पूँछ है और ये जो है इसका सिर है। तो आप देख सकते हो कि कितना इसमें सामने है। तो इस तरीके का प्यारा सा सांप अभी हम जो है अभी इसको छोड़ रहे हैं, और ये अपने आप यहाँ से जहाँ इसको जाना है वो चला जाएगा। ज़्यादातर ये भागता नहीं है, जहाँ पे छोड़ते हैं या जहाँ पे हम पकड़ते हैं इसको ये ऐसे ही बैठा रहता है, और बहुत ही धीरे धीरे से ये चला जाता है।